Hi guys, welcome to my vlog Killing Kilometer. This is my new vlog and I'm going to like Shri Mata Vaishno Devi ji. ये मेरी माँ है, हम जा रहे हैं. तो आशीर्वाद दे रहा हूँ अपनी माता का मैं. तुम्हारी यात्रा सफल हो. ठीक है माँ, love you. मेरी चाची है, ये बैठी है. ये भी देना है, मेरा ब्रदर है. ये मेरा दूसरा भाई है. भाई हेलो करो हमारे व्यूअर्स को. हाय गाइस, भाई हमारे की है, जा रहे हैं हम. तो नई दिल्ली के लिए निकल चुके हैं. बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. 7 बजे की ट्रेन है हमारी. मेरी वाइफ साथ में मेरे. अब बाकी पहुंच के आपको बताते जैसे भी होगा. स्टेशन में पहुंच गए हैं. ट्रेन आ गई, अपनी सामान वगैरह सारा रख दिया है. अब बस निकलने की तैयारी है. 7:05 की ट्रेन है. पहुंचने का टाइम है इसका मॉर्निंग का 6 बजे का. तो जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा और देखते फिर क्या है. साइज ये हमारी सीट. और बहुत गर्मी हो रही है. गर्मी बहुत हो रही है देखो ट्रेन के अंदर. जनवरी का महीना है फिर भी देखो टी शर्ट में बैठे हैं सारे हम. तो गाइस फाइनली ट्रेन चल पड़ी है. निकल पड़े हैं हम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए. जयकार बोल साचे दरबार की जय. गाइस अम्बाला पहुंच गए हैं. देख रहे हैं कितना फोग है यहाँ पे. भाई फोग तो हो रहा है यहाँ पे. फोग तो है रास्ते में बहुत. सोचा कि चाय पी ले इसलिए उतरे हैं ट्रेन से. बस 5-7 मिनट का स्टॉपेज है तो उसके बाद देखते हैं फिर. हेलो चलते हैं फिर चाय वाय पी लेते हैं. सारे लोग उतरे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए. हमने सोचा हम भी पी लें. चलो भाई चाय पीते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है. जय माता दी. दोस्तों पहुँच गए हैं फाइनल स्टेशन पे. बट लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है यहाँ पे. आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं आपकी. या तो आपको डबल डोज लगी होनी चाहिए कोविड की. तो अभी यहाँ पे 6:43 हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं. तो अब देखते हैं अभी कितना टाइम लग जाएगा क्योंकि पूरी ट्रेन एक ही लाइन में लगी हुई है. तो अब देखते हैं फाइनली कितनी देर लगती है, कितनी देर बाद मैं एग्ज़िट मिलता है यहाँ से स्टेशन से. सो जैसे भी जो भी अपडेट होगी वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा और यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. जय माता दी. तो गाइस फाइनली बाहर आ गए हैं हम. करीबन आधा घंटा लगा हमें सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के बाहर आने में. तो अब बस अब होटल की हमारी गाड़ी आ चुकी है बाहर. तो बस वहीं जा रहे हैं. बारिश आ रही है इसलिए कैमरा बाहर नहीं लेके जा सकता तो यहीं कैमरा बंद कर रहा हूँ. तो अब जहाँ पे होटल में मैं चालू करूँगा. जय माता दी गाइस. यात्रा स्टार्ट कर दी है. ये आपका ताराकोट का रास्ता है. यहाँ से बारिश बहुत ज़्यादा थी इस वजह से यहीं से जाना मतलब कि सुटेबल है क्योंकि यहाँ पे शेड्स जो है पुराने रास्ते के मुकाबले ज़्यादा हैं तो यहाँ पे भीगने के चांसेस थोड़े कम हैं. तो बस यहीं से रास्ता ताराकोट के रास्ते से स्टार्ट करिए. पहली बार जा रहा हूँ तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे और शेयर करते रहेंगे सारी चीज़ आपके साथ. वलीदा बोल साचे दरबार की जय. तो वहाँ की गाइस करीबन 2 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं. यहाँ देखिए लोगों ने घर बनाए हुए हैं अपने ईंटों से ताकि उनका अपना घर हो जाए. ऐसी मान्यता है लोगों की. लेकिन फिर भी अच्छी है, जिसकी पूरी होती है ठीक है. माता सबकी दुआएं पूरी करें. बाकी चलते चलते रास्ते में हमारी बीवी और ये हमारे मनजीत सिंह जी सेब खा रहे हैं. देख पा रहे हैं बारिश का रुकने का नाम ले रही है फिर भी निकल पड़े हैं रास्ते में. ये हमारे ब्रदर जैकेट चेंज कर लिए बारिश के चक्कर में क्योंकि बारिश मतलब शेड्स हैं जो आधे रास्ते में है थोड़े टाइम चल के फिर नहीं है उसके बाद. तो बारिश से गीले हो रहे हैं तो इसलिए
अपनी वाटर प्रूफ जैकेट पहन ली है ब्रदर ने हमारे। जैकेट चेंज हो चुकी है, पहले हमने हुडी पहनी हुई थी, हमने जैकेट पहन ली है रैक्सिन की ताकि हमें गीला होना पड़े, अभी बारिश बहुत है गाइस। रुकने का नाम ले रही, टेंशन ये हो रही है ऊपर भवन में शेड नहीं है, वहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बाकी जो भी है देखते हैं आगे कैसा सीन रहता है, भले एक अलग मज़ेदार जर्नी होती है और आपको टाइम मिले तो आप जरूर आए टाइम निकाल के। बिल्कुल, मान्यता बहुत है माता के मंदिर की, जो भी मांगता है मिलता जरूर है। हाँ कठिनाइयाँ आती हैं, चढ़ाई भी अच्छी है, 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई है, नॉन स्टॉप खड़ी चढ़ाई है। अब दिक्कत सारी हो रही है, वेदर का इशू है, मगर उसके आपसे भीड़ भी कम है, जो लोग निकल पा रहे हैं वो निकल चुके हैं। चॉपर्स भी चलते हैं, चॉपर्स भी बंद है आज की। गाड़ी इस रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, वैसे गाड़ी बंद है इस रास्ते में, नया रास्ता लिया हमने। पुराने रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हैं माता की, जहाँ पे आपको प्रसाद शाइन बोर्ड की बहुत सारी शॉप्स हैं, रौनक लगी है। इस रास्ते में नहीं दिखी हमें तो फॉर अ टाइम बिंग, बट एक लोकल शॉप दिखी थी वहाँ से हमने, पीना सही नहीं समझा, लेकिन आगे देखते हैं मिलती है तो जैसी भी होगा इन्फॉर्म करते हैं आपको। ठीक है गाइस, आगे बारिश का फिर से ये देखिए वेदर, माता का लंगर है, प्रसादा खा रहे हैं। तो मेरी वाइफ आ रही है पीछे लेके, कहना भी लगाई हुआ है लाइन में, तो देखते हैं आगे क्या चलता है, आगे और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है इस रस्ते में। तो रस्ते में लंगर है, बहुत अच्छी बात है ये। ये देखिए आगे लेके माता का लंगर लेंगे हम, देखिए लंगर है यहाँ पे, लंगर का भी इसमें हमें है मिला है, चावल दाल और ये थोड़ी सी चटनी है और हलवा और चाय ले सकते हैं आप। अगर चाय पीनी है मतलब ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों का ख्याल रखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी इस रास्ते पे। तो देखते हैं खाना खा के निकलते हैं यहाँ से, लंगर प्रसाद माँ का आगे देखते हैं। 4 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से अर्धकुंवारी है, तो फिर रास्ते में देखते हैं। बारिश तो फिलहाल रुक गई है तो वैसे प्रॉब्लम हो नहीं रही है जाने में, आगे देखते हैं क्या करना है। भाई सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ लगी यहाँ पे यह है कि अपने बर्तन जो है आपको खुद धोने हैं, आप खा लीजिए उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सारे कैसे सब अपने बर्तन धो के सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी पहल है एक्चुअली। मैं अपने बर्तन खुद धोएं और आने आए मतलब कि जो सेवादार हैं उनको भी मौका दे कि वो आगे दूसरों को सर्व कर सकें चीज़ें, तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है यहाँ पे है, अपने सेल्फ बर्तन धो सकते हैं। तो गाइस खाना का डन हो गया है, बस निकल रहे हैं यहाँ से। 4 किलोमीटर है अर्धकुंवारी और करीबन 1 घंटा मान के चलो जितना लग जाएगा। बहुत अच्छा व्यू है बाहर का, आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइस काफ़ी चलने के बाद चाय पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा गीला भी हो गए हैं, क्योंकि हम ताराकोट वाले रास्ते से आए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, रेनकोट वगैरह जो हम उसको लेके अपना शरीर को ढक सकते हैं, तो थोड़े से गीले हो गए हैं, बट कोई नहीं। अब थोड़ा सा दूर रह गया, हिमकोटी रह गया करीबन 1 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर रह गया अपना भवन, वहाँ पहुँच के अपना दर्शन करके फिर वापस रिटर्न, मतलब वापस हम लेंगे रोपवे, और रोपवे लेने के बाद हम जाएंगे अपना भैरव बाबा जी।
फिर वहाँ से रिटर्न निकलते हैं। तो जैसा भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा, कुछ अलग से होगा या कुछ अलग से कोई रूल होगा या कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करूँगा। जय माता दी दोस्तों, फ्रेश स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, जस्ट भवन में पहुँच गए हैं। आगे बस कैमरा अलाउड होगा नहीं क्योंकि चेंज करके दर्शन करने के लिए जाना है, तो कैमरा अलाउड होगा नहीं, बट स्नोफॉल बहुत अच्छी हो रही है। देखिए सारे कैसे खेल रहे हैं। देखा आपने कैसे स्नोफॉल मेरे हाथ पे भी गिरी हुई है बहुत सारी, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। माता ने बहुत अच्छा दृश्य दिखाया है, बाकी आगे देखते चल के। जी के दर्शन कर लिए हमने, बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत तकलीफ हुई पैरों में क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है सारी जगह में, हमारा तो यही भी हुआ सारी जगह बर्फ पड़ी हुई है, तो बहुत मुश्किल हुई आने में। बट फाइनली हम चार लोग आए तो चारों का डिसीजन ये हुआ कि फाइनली भैरव पे जा रहे हैं, सीढ़ियों से ना जाके रास्ते से जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। बाकी ऊपर जाके देखते हैं क्या नज़ारा है, कितना स्नोफॉल हुआ हुआ है, क्या कंडीशन ऊपर की, तो जैसे भी होगा अपडेट करते हैं आपको। तब तक के लिए जय माता दी। गाइस बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, वरना ये देखिए बहुत मुश्किल से डिसीजन ले आए हैं ऊपर आने का, क्योंकि नीचे माता भैरव पे, माता वैष्णो देवी पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी, नंगे पैर चलना पड़ा, बिल्कुल सुन हो गए थे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किए, इतना ज्यादा मजा फर्स्ट टाइम की। अब उस ऊपर जाके देखते हैं क्या है, कितनी बार पड़ी हुई है, बाकी फिर अपडेट करते हैं आपको। जय माता दी, जय माता दी। गाइस बहुत ज्यादा बार पड़ी हुई है, चलने में दिक्कत हो रही है, हाँ बहुत ज्यादा, इस जगह शेड नहीं लगी हुई है ऊपर, इसलिए यहाँ पे बर्फ है। मंजीत जी आगे जा रहे हैं, साहिल जी आगे जा रहे हैं, अब हमारा हमने भी बनाया था ये अपना जाने के लिए साथ में, कितनी बर्फ पड़ी हुई है देखिए। ये मैं वैष्णो देवी जी करीबन 12-15 साल से आ रहा हूँ, बट इसलिए इतनी बर्फ मैंने पहली बार देखी है, पूरे भैरव जी के रास्ते पे जा रहे हैं। सजेशन यही है आपको, ऐसे वैसे आना है एडवेंचर टूर पे तो आ सकते हैं, मगर वैसे आए तो हम सजेस्ट करेंगे बर्फ पे टाइम पे ना आए, बहुत बर्फ है पूरे रास्ते में, बर्फ पड़ी हुई है, देखिए स्नो होनी चालू होगी दोबारा से स्नो चालू हो गई है। अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, ये देखिए माता वैष्णो देवी जी का दरबार पूरा बर्फ से ढका हुआ है। गाइस एट लास्ट की सीढ़ियाँ पकड़ी हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि तो रास्ते में बहुत बर्फ है, फिर लास्ट सीढ़ियाँ बची हैं भैरव के भवन जी के पहुँचने के लिए, तो ये देखिए कितने बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे। भाई मेरा ऊपर पहुँच गया है, बस धीरे धीरे हम भी पहुँच रहे हैं, बहुत बर्फ पड़ी हुई बहुत, ये देखिए अभी इधर जाना है, तो देखते हैं ऊपर क्या नज़ारा है। गाइस भैरव जी पहुंच गए फाइनली, वाइफ ने भी भरोसा दिया चढ़ाई ऊपर, बहुत बर्फ हुई है देखिए, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तो आइए जनवरी में मजे लीजिए, यहाँ पे आके दर्शन भी करिए, मजे भी लीजिए। कहते हैं ना कि जन्नत तो यही है, जम्मू एंड कश्मीर। आ गए यहाँ पे हम सांझी छत कोटा।
छोटी सी जगह है देखी लेकिन फिर भी कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, कह सकते छोटा पट्टी टोप है, लोग खेल भी रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं बट मजा आ रहा है। सामने बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे आरती चल रही है, करीब 2.5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं भैरव वादी से। देखिए लोग लाइन में खड़े हैं खेलने के लिए, ये अलग एंजॉय कर रही है, पहली बार दर्शन किए और अलग एंजॉय कर रही है। चलो निकलते हैं नीचे, प्रसाद खाते हैं फिर देखते क्या करना है। शांति के बाद प्रसाद खाने रुके हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ पे छोले हलवा और चाय बहुत टेस्टी है, आइए ट्राई करिए कभी। माता दी ये है हमारे सुरजीत जी, इनका होटल है पुष्पा रेजिडेंसी, तो इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी ये कटरा में आए, अभी थोड़ा इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है मुझे, तो बहुत हेल्पिंग बंदे हैं, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप दिन और रात कभी भी। थैंक यू सो मच, जय माता दी। गाइस पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली और अब घर की तरफ निकल रहे हैं, टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। सफ़र बहुत बढ़िया रहा, बाकी घर पहुंचते हैं फिर बात करते हैं आपसे। गाइस फाइनली घर आ गए थे हम, तो नहा धो के हमने जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना था कर लिया, थोड़ी सी थकावट है बट जो मैंने बताया था इमरजेंसी में हमें निकलना पड़ रहा था उसका रीज़न ये था कि हमारे जो शूज़ थे जिसे हमें नेक्स्ट डे भी पहन के ट्रैवल करना था, या तो हमें जाना था पट्टनी टॉप या नत्था टॉप, तो हमारे वो शूज़ गीले हो गए थे। गीले होने का रीज़न ये था कि ऊपर भवन पे थी जो मतलब बर्फ जो थी वो मेल्ट भी थी, तो उसमें भी मतलब कि इतनी डिस्टेंस लगती थी कि हम उसको पार करके जा नहीं पाए, तो हमें अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर पैर रख के ही जाना पड़ा था। तो हमारे शूज़ थे मेरे, मेरी वाइफ के और मेरे ब्रदर, मेरे फ्रेंड के, सबके शूज़ गीले हो गए थे। तो हमने डिसीजन ये लिया था कि नेक्स्ट डे की टिकट जो हमारी है उसे कैंसिल करके सेम डे की टिकट हमें लग बाय चांस मिल गई, माता की कृपा थी, तो वो मिलने के बाद हमने उसे बुक किया, नेक्स्ट डे की जो ट्रेन थी उसे कैंसिल करके अपना सेम डे ही हम रिटर्न आ गए थे। तो यही था जो हमारा रीज़न था बेसिकली जल्दी घर आने का। बाकी नेक्स्ट व्लॉग मैं हो सकता है कभी भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी जाऊँ तो नेक्स्ट व्लॉग मैं तब अपना रेडी करूँगा। तो गाइज़ ये मेरे ट्रिप का ओवरव्यू था जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही आपके और वीडियोस देखने हो मेरे नेक्स्ट ट्रैवल के, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, तो मैं और अच्छा बेटर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।